नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। कोरोना महामारी के बीच देश में लॉकडाउन किया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आंकड़े जिस अंदाज से बढ़ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 400 का आंकड़ा मौत का पार हो चुका है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं, कुछ लोग हैं जिनको ये अभी भी मजाक नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर निकल पड़ रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के विरुद्ध प्रशासन अब सख्ती अपनाती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बेगूसराय की, जहां लॉकडाउन की कुछ लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। लोग सड़कों पर मटरगस्ती करते हुए निकल पड़े। हालांकि प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि वो घर से बिना बेवजह बाहर ना निकले। जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप घर से बाहर ना निकले, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं, जिसके बाद प्रशासन ने बेगूसराय में सख्ती दिखाई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बेगूसराय की है, जहां कुछ मनचलों को पुलिस ने सबक सिखाया है। कुछ लोग बेवजह साइकिल से सड़क पर निकल पड़े थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें बैठाकर साइकिल उठाने को कहा और बोला कि इसी तरह वापस घर चले जाओ। इसी तरह तीन युवक भी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जो बाइक से सड़कों पर इस समय घूमने निकले थे। जब प्रशासन ने उनसे पूछा कि तुम क्यों निकले हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रशासन ने उन्हें यह भी समझाया कि लॉकडाउन है और सरकार आपसे लगातार अपील कर रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बावजूद इसके आप घर से बाहर क्यों निकले, लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। तब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को सड़क पर लुटा दिया। इन तीनों युवक को सड़क पर लिटा दिया और उसके बाद कहा कि आप पलटी मारिए। पुलिस ने सख्ती दिखाई, जरूरी भी है, क्योंकि ये महामारी जिस अंदाज से फैल रही है, किसी की जान कभी भी जा सकती है। लगातार अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सख्ती जरूरी हो गई है। लगातार सरकार आपसे अपील कर रहा है, हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए बस इतना ही।